लेकिन अब ठीक है मनोहर, ठीक है मनोहर, लौटते हैं एक बार फिर से आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल के अपडेट्स हम बता दें कि जैसा कि हमारे सहयोगी मनोहर बता रहे थे कि जो लिखित रिपोर्ट है, जरूरी नहीं वो फिजिकली मिलकर ही दें, वो मेल भी कर सकते हैं, फैक्स भी कर सकते हैं। सोनिया गांधी को जो लिखित रिपोर्ट सौंपनी है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि अब इसके बाद क्या होगा, जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी, रिपोर्ट सौंपने के बाद, क्योंकि रिपोर्ट पे पूरा डिटेल्स लिखी होंगी, उसको पढ़ने के बाद, को एग्जामिन करने के बाद सोनिया गांधी का क्या एक्शन होगा, क्या कोई एक्शन वो ले सकती है उन विधायकों के खिलाफ जिन्होंने ये बगावती तेवर दिखाया, जो बैठक में नहीं आए और जिन्होंने पर्यवेक्षकों का सम्मान नहीं किया, उनकी बात नहीं सुनी, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की बात हो रही है, क्या उसको लेकर कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं, क्या कोई कमेटी बन सकती है, वो कमेटी में कौन कौन से बड़े लीडरान शामिल होंगे, कौन कौन से वरिष्ठ नेता शामिल होंगे, क्योंकि हमने देखा कि अजय माकन के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है धारीवाल ने, उन्होंने कह दिया कि ये तो पक्षपातपूर्ण तरीके से हमारे ऊपर सीएम थोपने आए थे, विधायकों से भी पक्षपातपूर्ण तरीके से बातचीत करना चाहते थे, ये कई सारी चीजें हैं, कई सारे कॉन्ट्रडिक्शन हैं। अब ये चीज समझने वाली बात है कि ये जो सियासत हम देख रहे हैं, जो धर्म संकट हम राजस्थान में देख रहे हैं, इसके साथ साथ में एक बड़ा पहलू यह है कि अब इसके आगे डैमेज कंट्रोल कैसे होगा, क्योंकि अब पूरे देश में ये खबर चर्चा का विषय बन चुकी है, ये कि भाई ये हो क्या रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस आला कमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, कल मुलाकात भी हुई थी, इसके बाद अब चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर होंगी, क्योंकि गेंद अभी आला कमान के पाले में है। कुछ विधायकों के हृदय परिवर्तन भी होते हम देख रहे हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि भाई जो आला कमान कहेंगे वो हम करेंगे। ये वो विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा भी दिया है, तो उस बस में भी बैठे थे, जो धारीवाल के घर भी गए थे, वो सभी विधायक, उनमें से कुछ ऐसे विधायक हैं जो अब उनका यूटर्न देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में राजस्थान में सियासी संकट किस करवट जाएगा, ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बगावत का चिंगारी है वो शोले में तब्दील हो गई है, लेकिन अब ये शोला ठंडा कैसे होगा, शांत कैसे होगा, इसको लेकर अब सारी जिम्मेदारी आला कमान के पास। अब आला कमान तय करेगा कि इस लिखित रिपोर्ट के बाद, माकन खड़गे की ये रिपोर्ट के बाद क्या होगा, कई सारे सवाल है। सियासी संकट का विराम कब होगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। कैसे चुना जाएगा, ये बड़ा सवाल है। लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर आ रहा है, लेकिन खड़गे और माकन, ये दो ऑब्जर्वर्स, अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के मोस्ट सीनियर लीडर्स, ये गए जयपुर 1-to-1 बात करने के लिए। कहा गया एक दिन में ही मामला सुलझाइए, लेकिन नहीं सुलझ पाया, क्योंकि विधायक वॉज नॉट इंटरेस्टेड, वो बिल्कुल रुचि नहीं ले रहे थे। उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम था कि हमें बात ही नहीं करनी है, बहुत प्रयास हुआ, लेकिन किसी विधायक ने 1-to-1 कोई बात नहीं करना मुनासिब समझा अजय माकन और खड़गे से। उसके बाद जो अब टीम लौट आई, जब पर्यवेक्षक लौट आया, उसके बाद धारीवाल का बयान आता है कि ये पक्षपातपूर्ण तरीके से हमारे ऊपर सीएम थोपने की कोशिश है, विधायकों से बिना पूछे एक रेजोल्यूशन पास कराने की कोशिश है। अब उस रेजोल्यूशन को लेकर तीन शर्तें रख दी गई हैं, उसके बारे में भी अजय माकन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि उन रेजोल्यूशन को लेकर जो तीन शर्तें हैं उसमें क्या क्या है, और वो जो तीन शर्तें हैं वो क्या आलाकमान एक्सेप्ट करेगा, वो बड़े सवाल है। अगर एक्सेप्ट करेगा तो किन बेसिस पर करेगा, क्योंकि अगर कर लिया तो फिर सचिन पायलट का क्या होगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। 19 तारीख तक रुकने की बात कही गई है, उन एक शर्तों में से एक शर्त यह भी है। मनोहर का रुख कर लेते हैं। मनोहर, ये तो हम लोग राजस्थान की